हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश विजयवर्गीय। सर, बहुमत परीक्षण की नौबत ही नहीं आई, पहले ही कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मैदान छोड़ दिया। तीन दिन से बड़े चिल्ला रहे थे कि आप अविश्वास का प्रस्ताव लाइए। जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप बताइए, तो मैदान छोड़कर चले गए। लेकिन वो तो खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं कि विधायकों के ऊपर बेंगलुरु में ले जाकर के दबाव बना दिया, इस वजह से वो लोग यहाँ पर आ नहीं पाए। इस वजह से भूमिका कुछ भी नहीं है इसमें। भारतीय जनता पार्टी की भूमिका कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का अहंकार उनको लेड हुआ, कमलनाथ जी का अहंकार उनको लेड हुआ, और हमारी भूमिका क्या है उसमें? हमारी कोई भूमिका ही नहीं। वो जो मीडिया के सामने आए कह रहे हैं हमने तो बहुत जनता के हित में काम किया, लेकिन वो महाराजा और जो उनके साथ में 22 लोग थे उन्होंने जनता को धोखा दिया और बीजेपी के साथ मिल गए जाके। देखिए, अब उपचुनाव होंगे, जनता बता देगी कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया। अभी जितने भी विधायकों के इस्तीफे मंजूर हुए हैं वे सब उपचुनाव में जाएंगे तो पता लग जाएगा। सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा? निश्चित रूप से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। समय विधायक दल की बैठक कब तक? क्या अभी हम कार्यालय पे जा रहे हैं, वहाँ रणनीति बनेगी। तो अगली रणनीति कार्यालय पे बनेगी, विधायक दल की बैठक होगी, उसमें जो भी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उस पर चर्चा होगी। चर्चा यही है कि क्या शिवराज सिंह चौहान का वो चेहरा होगा या फिर किसी और नेता का चेहरा होगा। तो ये जो है अभी जो रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन साफ तौर पर कैलाश विजयवर्गीय का यही कहना है कि कमलनाथ ने मैदान छोड़ दिया क्योंकि उनके पास बहुमत था ही नहीं, जबकि वो लगातार कह रहे थे कि बहुमत है, लेकिन ये पहले से ही बीजेपी कह रही थी कि अल्पमत की सरकार है और आज ये साबित भी हो गया। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज भोपाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।